यार आज तो मुझे स्कूल में बहुत ज्यादा होमवर्क मिल गया और मेरा एग्जाम भी है कल। मैम टेस्ट लेने वाली है मेरा। यार मम्मा थोड़ा सा तो वर्क आप कर दो, मेरा टेस्ट है फिर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो देखो मम्म ये आपको सिर्फ कॉपी करना है तो प्लीज आप कर दो ना, नहीं तो फिर मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप मुझे और बोलोगे, तो इससे अच्छा आप ही कर दो ना मम्मा प्लीज। और मम्मा ने क्या किया, मम्मी ने क्या, ठीक है दे दे बेटा तू तेरे टेस्ट की तैयारी कर, टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने ज्यादा जरूरी है। तो मम्मा ने क्या किया, वो सारा कॉपी कर दिया और आपका होमवर्क कर दिया। तो ये क्या हो गया, आपने अपना टेस्ट पे ध्यान दिया और वो होमवर्क पे आपने ध्यान नहीं दिया। तो वही चीज होती है आउटसोर्सिंग, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, जो कि हम अब देखने वाले बिजनेस लेवल पे ये आउटसोर्सिंग कैसे वर्क करती है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है, जब हम बिजनेस में बात करते हैं तो क्या होता है कि छोटी मोटी जो एक्टिविटीज होती है जिसकी वजह से हम बोलते हैं यार बहुत वर्कलोड हमारा बढ़ रहा है, हम लोग अच्छे से हमारे मेन जो वर्क होता है उस पर ध्यान नहीं दे पाते। तो वही चीज होती है जब छोटे मोटे जो जॉब्स होते हैं, जो वर्क होते हैं, वो हम किसी और को दे देते हैं। जो हम क्या करते हैं, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि ये काम आपको ही करना है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम हमारे मेन वर्क पे, प्रिंसिपल वर्क पे ध्यान दे सकते हैं। तो वही चीज होता है, जो हमने काम दूसरों को दिया है करने के लिए उसे बोला जाएगा आउटसोर्सिंग। जो कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि मम्मा को आपने होमवर्क दे दिया और आपने अपने मेन वर्क पे ध्यान दिया दैट इज टेस्ट, कि वो उसमें मार्क्स लाने इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या हो गया कि आपने वो मेन वर्क पे ध्यान दिया और मम्मी को आपने जो काम दिया वो हो गया आउटसोर्स करना। वो तो मैंने पर्सनली आपको एग्जाम्पल दिया, लेकिन बिजनेस में भी वही चीज होती है कि जब हम मिसलेनियस वर्क को किसी और को दे देते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट में दे देते हैं जो कि ऑलरेडी वो चीज में स्पेशलाइज्ड है, तो उसे हमें और भी बेनिफिट्स हो जाते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं, भाई मिसलेनियस वर्क और प्रोसेस इज हैंडेड ओवर टू अदर ग्रुप बाय बिजनेस ग्रुप एज पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रीस्क्राइब टाइम, इट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। जब हमने बोल दिया कि यार चलो 2 ईयर्स का हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जो भी अकाउंटिंग का वर्क है मैंने 2 साल का तुम्हें दे दिया, तो ये क्या हुआ, अकाउंटिंग में बहुत बड़ा हेडेक है यार, क्या परचेस की एंट्री, क्या सेल की करनी है, क्या एक्सपेंसेस है, क्या प्रॉफिट है, बहुत सारा हेडेक हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ये काम मैंने एक अकाउंटेंट को दे दिया, तो ये क्या हो गया कि मेरा वर्कलोड बहुत कम हो गया। तो उससे मैं मेरे मेन काम पे, मैं मेरे प्रिंसिपल वर्क पे ध्यान दे सकती हूँ, उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आउटसोर्सिंग। क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग हम देखेंगे, दैट इज बीपीओ एंड केपीओ। बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इस केस के अंदर क्या होगा कि आपने अपनी कोई प्रोसेस को आउटसोर्स कर दिया, जैसे मैंने अभी बताया आपने अकाउंट्स का काम दे दिया, या आपको ऐसे लग रहा है कि यार पैकिंग का वर्क है वो हम आउटसोर्स कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे वर्कर्स को इतने स्पेशलाइज नहीं है पैकिंग के अंदर, वेस्ट करते इतना पैकिंग, इससे अच्छा मैं ऐसी एजेंसी को दूं जिसको बहुत अच्छे से पैकिंग करनी आती है। और वो क्या करते हैं, देखो जो लोग स्पेशलाइज्ड होते हैं ऑलरेडी वो बहुत अच्छे से करते हैं, और उन लोगों को क्या होता है कि वो वेस्टेज बहुत कम करते हैं, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है ना। जैसे कि हम बोलते हैं कि यार मुझे कोई पैकिंग का काम दे देता है, शादी और में होता है कि हमें पैकिंग करना आता है, तो मुझे तो आती नहीं अच्छे से पैकिंग, तो उस केस में क्या होता है, मैंने यहाँ से कटिंग कर दी, यहाँ से कटिंग कर दी, तो वेस्ट कितना होता है मटेरियल। तो वो आप सोचे कि बिजनेस में ऐसे पैकिंग करनी पड़े तो मटेरियल कितना वेस्ट होता है। तो उस केस में हम ऐसे छोटे मोटे काम को बाहर दे सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, जिससे हमारा वर्कलोड भी कम होगा, हमारे पास टाइम बचेगा, उसमें हम हमारे इंपॉर्टेंट वर्क को कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट वर्क तो मैं आउटसोर्स नहीं कर सकती ना, लेकिन जो मेरे ये माइनर वर्क्स है उनको मैं आउटसोर्स करके मेरा खुद का जो फोकस है उस पर ध्यान दे सकती हूँ। क्लियर। तो वो होता है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। और जब हम नॉलेज प्रोसेसिंग की बात करते हैं, तो उस केस के अंदर मुझे कोई ऐसा जिसमें मुझे नॉलेज नहीं है, क्लियर, जो हमारा बिजनेस वर्क कर रहा है उसमें कुछ मुझे ऐसी चीज की जरूरत है जिसमें मेरे पास कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन है ही नहीं, जिसमें मेंटल वर्क चाहिए। जो हम बिजनेस प्रोसेस की बात करते हैं उसमें हमें फिजिकल वर्क चाहिए, लेकिन जब हम नॉलेज की बात करते हैं मैं क्या कहूंगी, उसमें मुझे मेंटल नॉलेज चाहिए। तो उस केस के अंदर जब हम ऐसी नॉलेज की फैसिलिटी बाहर से लेते हैं, तो उसे बोला जाएगा कि हम क्या ले रही है, केपीओ कर रहे हैं, दैट इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्लियर। चलो अब आगे और हम देखते हैं इसके अंदर क्या है। बीपीओ, इट मींस टू गेट द कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज ऑफ एक्सटर्नल कंपनी और ग्रुप टू कंप्लीट स्पेशल वर्क और प्रोसेस ऑफ अ कंपनी। आई जी समझ, कि कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज हमने दे दी
एक्सटर्नल कंपनी और ग्रुप को कि कंप्लीट कर सके हमारा कुछ स्पेशल वर्क या प्रोसेस जो मैंने आपको समझा है। अब इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्यों हमें बीपीओ करवाते हैं, हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। सबसे पहले कॉस्ट कटिंग, मैंने जो चीज बोली कि अगर पैकिंग का काम हम कर रहे हैं तो उस केस के अंदर क्या होगा, बहुत वेस्ट होगा और हमारा खर्चा तो एक्सपेंस तो उसमें इंक्रीज ही होगा ना, क्योंकि जो वेस्ट हो रहा है वो अगर मैं कोई बाहर आउटसोर्स स्पेशलाइज कंपनीज को दूंगी तो वो अच्छे से करेंगे, तो उसमें वो क्या करेंगे, मेरा वेस्टेज होगा नहीं तो मेरा कॉस्ट भी कटिंग हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये आउटसोर्स हम कर सकते हैं, उसमें हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा। फोकस ऑन प्रिंसिपल वर्क ऑफ कंपनी, राइट। ये जो छोटे मोटे काम अगर मैं बाहर दूंगी तो मैं मेरे मोटिव में ध्यान दे सकती हूँ, नहीं तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इतना काम है मैं एक्सपांशन पे ध्यान ही नहीं दे पाती हूँ, ग्रोथ पे प्रॉफिट पे ध्यान ही नहीं दे पाती हूँ, ये सब में लगी रहती हूँ, है ना। तो वो चीज है कि मैं मेरे प्रिंसिपल वर्क पे ध्यान दे पाऊंगी। बेनिफिट ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी इसके अंदर, हमारे पास कम काम हो गया, वर्कलोड कम हो गया तो इसके अंदर मेरी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, और जो काम मैंने स्पेशलाइजेशन को दिया है, कंपनीज को दिया, ऑलरेडी वो उसमें स्पेशलाइज है, तो वो भी एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, तो वो बेनिफिट भी मिल जाएगा। कैटर द डायनेमिक डिमांड, अब देखो हमें हमारे कस्टमर्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, जो कि डिमांड चेंज होती रहती है, तो अगर आपको उनके अकॉर्डिंग चलना है तो उस केस के अंदर आपको, अगर आपका वर्कलोड कम होगा तो ही आप चल सकते हो, नहीं तो ऑलरेडी मेरे पास इतना लोड है, कहाँ से मैं डिमांड उनकी फुलफिल करूंगी। तो वो जब ही हो सकता है जब मेरे पास प्रॉपर टाइम, प्रॉपर मैनेजमेंट हो, तो उस केस के अंदर आप छोटे मोटे काम को आउटसोर्स कर दो कि ताकि आप कस्टमर्स के डिमांड के अकॉर्डिंग वर्क कर सको। एंड लास्ट इज इंक्रीज इन प्रॉफिट, जो कि मैंने आपको बताया कि हम जब मेन हमारे फोकस प्रिंसिपल वर्क पे ध्यान देंगे कि कैसे एक्सपांशन करना है, कैसे ग्रोथ करना है, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा प्रॉफिट इंक्रीज करने पे मैं ध्यान दू, क्योंकि छोटा मोटा काम मैंने ऑलरेडी दे दिया तो वो लोड मुझे नहीं आएगा, वो तो मुझे मेरे डेट पे मुझे वो पूरा काम किया हुआ मिल जाएगा, तो इस केस में मैं मेरा प्रॉफिट इंक्रीज करने पे ध्यान दू। क्लियर है? तो वही चीज है, ये सब रिक्वायरमेंट्स है, हमें इसीलिए बीपीओ की जरूरत है। देन स्कोप ऑफ बीपीओ, अब इस केस के अंदर हम बीपीओ कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, बैक ऑफिस में एंड फ्रंट ऑफिस में। जब बैक ऑफिस की मैं बात करती हूँ तो उस केस में सारे मेरे इंटरनल फंक्शंस आ जाएंगे, जैसे बिलिंग के लिए मैंने किसी को लगा दिया, परचेस के लिए लगा दिया, डेटा एंट्री के लिए लगा दिया, है ना, डेटा एंट्री मीन्स अकाउंटिंग, तो इन सब के लिए मैंने क्या कर दिया, किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे लगा दिया जो कि मुझे काम करके दे देगा। एंड फ्रंट ऑफिस के केस के अंदर क्या हो गया, जैसे एक्सटर्नल वर्क हो गए, मार्केटिंग करना, एडवर्टाइज करना, सर्वे करना, ये सब काम मैंने किसी को दे दिया, तो ये हो गया, मैंने ये आउटसोर्स कर दिया, मेरा फ्रंट ऑफिस आउटसोर्स, तो ये हम बीपीओ ये दो जगह पे लगा सकते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। एंड नेक्स्ट इज केपीओ, इट मीन्स आउटसोर्सिंग ऑफ नॉलेज बेस्ड प्रोसेस, जो मैंने कहा हमें अगर मेंटल वर्क में किसी की जरूरत है, हमें कोई स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए कोई चीज का, तो उस केस के अंदर हम ये आउटसोर्स कर सकते हैं। बीपीओ इज वर्क ओरिएंटेड, केपीओ इज नॉलेज ओरिएंटेड। अब देखो इसमें रिक्वायरमेंट कैसे आएगी, अचीवमेंट ऑफ बेस्ट स्किल्स, मुझे अगर बेस्ट स्किल्स की जरूरत है, जैसे बोलते इंटीरियर, इंटीरियर क्या हमें आता है, नहीं, क्योंकि मैं तो एक बिजनेस कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि ऑफिस का इंटीरियर कैसे करवाना है, तो इसमें मुझे स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, मुझे इंटीरियर की जरूरत है, तो जब मैं उसकी बेस्ट स्किल्स लूंगी या किस कहाँ पे क्या होना चाहिए, तो दैट इज व्हाट कि मैं उसके बेस्ट स्किल्स ले रही, नहीं तो मैं क्या करूंगी, मैंने तो यहाँ पे बता दिया यहाँ पे ये कर लेते हैं, यहाँ पे ये कर लेते हैं, लेकिन मुझे तो आइडिया ही नहीं है कैसे भी मैं करवा रही हूँ कंस्ट्रक्शन, तो वो गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए मुझे इंटीरियर की क्या है, नॉलेज नहीं है, उस केस के अंदर हम बाहर के इंटीरियर को बुला के, एक्सपर्ट को बुला के, उनका नॉलेज लेके हम क्या कर सकते हैं, हमारा इंटीरियर करवा सकते हैं। मैक्सिमम यूज ऑफ सोर्सेस, क्योंकि हमें इतने अच्छे से जिस चीज की आइडिया नहीं है, लेकिन अगर मैंने कोई एक्सपर्टाइज को बुलाया तो वो क्या करेगा, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा, जो कि शायद हम नहीं कर रहे, जैसे मैंने पैकिंग का बताया, तो अगर मैं कोई एक्सपर्ट को बुलाऊंगी, लेकिन वो एक हमारे लिए प्रोसेस होगी तो वो इसके अंदर कवर नहीं होगी, लेकिन जिस चीज का मुझे नॉलेज नहीं है, अगर मैंने कोई पर्सन को बुला के किया तो वो मुझे और अच्छे से बेस्ट मैनर में बताएगा कि रिसोर्सेज या सोर्सेज को कैसे हमें यूज करना है। ठीक है? सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, वही कि हमारे पास नॉलेज नहीं है, जब भी तो हम बाहर के लोगों को बुलाते हैं, है ना, नहीं तो मैं बोलूंगी अगर मेरा कोई केस चला गया, कहाँ पे चला गया, केस कोर्ट में चला गया, बट क्या मैं लॉयर हूँ, क्या मुझे पता है यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, नहीं लग पता ना, तो उस केस में अगर मुझे लॉयर को हायर करना है तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स मेरी वही सॉल्व करेगा, क्या मैं जाके लड़ सकती हूँ, नहीं, केस कर सकती हूँ, कोर्ट में जाके लड़ सकती हूँ, नहीं लड़ सकती, तो वही चीजें मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, किसकी, लॉयर की जरूरत, तो वो मेरे प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व करेगा।
सीए की जरूरत पड़ सकती है जब मुझे बुक्स में कुछ इश्यूज आए, अकाउंटेंसी में कुछ इश्यूज आए, तो उस केस में मुझे उसकी नॉलेज चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है। तो ये सब चीजें होती है नॉलेज बेस्ड प्रोसेस। स्पेशल अटेंशन टू प्रिंसिपल फंक्शंस। जब मैंने ऐसा काम किसी को दे दिया, मैंने अकाउंटेंट के लिए कोई सीए को ही दे दिया अकाउंटेंट से, तो क्या मेरा वर्कलोड बहुत कम हो गया? मैं प्रिंसिपल वर्क पे ध्यान दूंगी, जैसे बीपीओ में देखा था वैसे ही केपीओ में है। मैक्सिमम यूज ऑफ मनी, हमें पता है कि किस तरीके से इसको क्या करना है, कितने अच्छे से मनी का यूटिलाइजेशन करना है। अगर हम कोई एक्सपर्टाइज को बुला रहे हैं तो उस केस के अंदर हमारा बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है मनी का। रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली कोई स्पेशलाइज को बुलाएंगे तो हमें यही बताएगा कि खर्चा आप कहाँ कम कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। हमने कोई ऐसे टेक्नोलॉजीज को हमें करना है यहाँ पे जिसमें मैंने कोई एक्सपर्ट को बुलाया तो सिर्फ टेक्नोलॉजीज में डील करता, तो मुझे बताएगा ना कि खर्चा मैं कैसे कम कर सकूँ। या मैं तो ये खर्चा करी तो 2 लाख का पड़ रहा था, उसने मेरा 50,000 कम करवा दिया, तो ये क्या है? रिडक्शन इन एक्सपेंसेस है ना। हम ऐसी चीजों के लिए स्पेशलाइजेशन यूज करते हैं, कोई नॉलेज बेस्ड पर्सन को बुलाते हैं। देन रिडक्शन इन रिस्क, क्यों? क्योंकि जिसमें मुझे नॉलेज नहीं, अगर मैं अपना दिमाग लगाऊंगी तो क्या होता है, रिस्क बढ़ सकता है। लेकिन ऑलरेडी कोई नॉलेजेबल पर्सन जिसका उसके अंदर स्पेशलाइजेशन एक्सपर्टाइज है, मैं उसको बुलाऊंगी तो क्या होगा, रिस्क कम होगा, क्योंकि मुझे पता है यार ये चीज मुझे गलत नहीं बताएगा बंदा, राइट? तो वो रिस्क हमारा कम हो जाए। तो ये इस चीजों के लिए क्या है, हमें केपीओ की जरूरत है। तो दिस इज व्हाट अबाउट वी स्टडीड अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ केपीओ। अब स्कोप ऑफ केपीओ कहाँ कहाँ में देखो जरूरत पड़ेगी, बिजनेस एंड मार्केट रिसर्चेस, रिसर्च के लिए हम यूज कर सकते हैं केपीओ, मतलब किसी की, किसी को जिसका जिसको नॉलेज है उस केस के अंदर हम ये आउटसोर्स कर सकते हैं। लीगल सर्विसेज जो मैंने बताया आप लोग को, लॉयर वगैरह की हमें जरूरत है। कोई मेडिकल सर्विसेज के अंदर ट्रेनिंग या गाइडेंस हमें चाहिए तो उस केस के अंदर मैं नॉलेज ले सकती हूँ। रिसर्च और डेवलपमेंट में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जिसमें हमें नहीं है इतना आइडिया, उसमें मैं कंप्यूटर की ले सकती हूँ, उसके अंदर आउटसोर्स कर सकती हूँ। एनिमेशन एंड डिजाइन होता है, बहुत सारे बोलते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का हमें नॉलेज नहीं है तो मुझे ये सीखना है, मुझे ये ट्रेन करना है, तो उस केस के अंदर मैं चाहती हूँ मेरे एम्प्लॉयज को ये सॉफ्टवेयर का सारा सिस्टम आए, तो क्या करूंगी, मैं बाहर के लोगों को बुलाऊंगी जिसको एक्सपर्ट है इसके अंदर, राइट? जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में स्पेशलाइजेशन किया है, तो वो क्या करेंगे, आके मेरे यहाँ के वर्कर्स को समझाएंगे, उनको ट्रेन करेंगे। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हैं कि मैं बाहर के लोगों से नॉलेज ले रही हूँ जो कि हमारे बिजनेस में अवेलेबल नहीं है। दैट इज वॉट केपी। तो यही चीज हमने आज देखी, दैट इज अबाउट दी आउटसोर्सिंग। वी स्टडीड अबाउट दी बीपीओ एंड केपीओ, दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आई थिंक सो वेरी इजी, इट्स कॉन्सेप्ट आर वेरी इजी, आप लोग को समझ में आया होगा, मैंने एग्जाम्पल्स भी दे दिए आपको, तो आई थिंक बहुत ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हुआ है। ओके, सो डन फॉर टूडे। सो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, आपको किस तरीके से ये पसंद आ रहा है वीडियो या नहीं आ रहा है, प्लीज सब्सक्राइब इट। ओके, सो बाय।